इस टॉपिक में हम भारतीय किसान यूनियन तथा इसके मुद्दे के बारे में जानेंगे और इसकी मांग के बारे में। भारतीय किसान यूनियन यानी BKU की स्थापना 1980 के दशक में की गई। यह यूपी तथा हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। 1980 की जनवरी में यूपी के शहर मेरठ में लगभग 20,000 किसान जमा हुए। यह किसान बिजली दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। यह 3 हफ्ते तक जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर डेरा डाले रहे। धरने पर बैठे किसान BKU के सदस्य थे। भारतीय किसान यूनियन की मांगे या मुद्दे निम्न थे, जैसे ये थे कि पहली मांग उनकी ये थी बिजली की दरों में कमी की जाए। दूसरी मांग उनकी ये थी कृषि उत्पादों की अंतर्राज्य आवाजाही पर लगी पाबंदी हटाई जाए। तीसरी मांग थी समुचित दर पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए। चौथी मांग थी किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान किया जाए। और पांचवी मांग ये थी कि गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी पर लगी पाबंदियां हटाई जाए।